Shout my life. You feel, uh... Hello students of class 4th. Welcome to your English class, Bachy. So, children, today we are going to start our new chapter that is chapter number 2 of Roots and Wings. And the name of the chapter is Goa A Tourist Paradise. Alright? See children, there is a word written T-O-U-R-I-S T. The name in the name of the chapter, it is written T-O-U-R-I-S-T. दिस वर्ड विल बी प्रनसिएटेड एज टूरिस्ट नॉट टूरिस्ट टूरिस्ट नहीं पढ़ोगे आप इसे टूरिस्ट पढ़ोगे ऑल राइट ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पीपल स्पीक रॉन्ग बहुत सारे लोग ना इसे गलत पढ़ते हैं इसे टूरिस्ट नहीं पढ़कर कर टूरिस्ट पढ़ते ऑल राइट right? टी ओ यू आर इससे क्या पढ़ते लोग टूर पढ़ते हैं बट दिस इज रॉन्ग इट विल बी टूर ऑल राइट ओके सो

अपनी समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में तो गए हो गए गय ना कही न, कहीं ना कहीं घूमने तो चलो बाकी जगह गए हो मैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ बट गोवा कौन कौन गए हो जो जो गए हो ना कमेंट बॉक्स तो में लिख कर बताना ओके राइट योर नेम एंड देन लेट मी नो यू ओके ओके ऑल राइट सी दिस इज़ शॉर्ट एक्सरसाइज गिवेन ऑन द फर्स्ट पेज गेट सेट चिल्ड्रन देर आर फोर पिक्चर्स एज यू कैन सी हियर ओके एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट पिक्चर आपको ये बताना पहचानना है कि जो मोन्यूमेंट है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट दिया है गया है पिक्चर वो क्या नाम है और ये कहाँ है ठीक है आपको इससे क्या करना है मैच करना आई थिंक या मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स यू हैव टू मैच दैम विदर नेम्स ऑल राइट ओके हवा महल जयपुर वेयर इट इज इट इज इन द पिक्चर नंबर थर्ड ऑल राइट लेट मी मैच इट जस्ट वेट

ओके सी क्वेश्चन नंबर बी इज ऑल्सो गिवेन हॉलीडेज रिफ्रेश अस दे आर ऑलवेज पैक्ड विथ फन पीपल हॉलीडे फॉर अ नंबर ऑफ़ रीजन सम ऑफ देम आर गिवन बिलो रैंक देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस जैसे आप लोग तो छुट्टियों पर जाते हो समर ब्रेक या विंटर ब्रेक जो भी होलीडे होती है तो क्या करते हो कुछ कुछ लोग हर किसी की अलग अलग रीज़न होती है कुछ लोग क्या जाते हैं फन के लिए जाते हैं कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कुछ लोग क्या करना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं जगह को है ना कुछ लोग स्टडीज़ को लेकर जाते हैं कुछ लोग वहाँ रिलैक्स होने जाते हैं देर आर सो मनी रीज़न्स ओके और कुछ लोग क्या करते हैं कुछ डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह देर आर सो मैनी रीजन्स यहाँ आपको बताना है कि आपके लिए कौन सा आपका जो देर आर सो मैनी रीजन गिवन या फाइव रीजन्स आर गिवन आपको बताना है कि आप सबसे पहले कौन सा रीजन को प्रेफरेंस देते हो इट विल बी अप टू योर चॉइस ओके आई एम नॉट गोना हेल्प इट हेल्प यू बिकॉज ये आपको खुद से बताना है क्योंकि हर किसी का चॉइस अलग हो सकता है अगर मैं बताऊँगी तो मैं अपना पर्सनली बताऊँगी ना तो आपको खुद से बताना है क्या आप छुट्टियों पर जाते हो तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है लॉट्स ऑफ फन स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली विजिट न्यू प्लेसेज एंड मीट न्यू न्यू पीपल नो मोर अबाउट डिफरेंट कल्चर्स रिलैक्स एंड फोगेट अबाउट स्टडीज़ जो भी है आप नंबरिंग कर लोगे ऑल राइट right? मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया समझा दिया ना यू कैन डू इट ओके नॉमे मूव टू देज नंबर ट्वेंटी टू या हेयर इट इज़ सी देर आर टू चिल्ड्रेन राइट यहाँ दो चिल्ड्रेन हैं एंड दे आर प्लेइंग विथ सैंड ये लोग क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं बालू से सैंड से एंड देर आर नेम्स आर वन वन बॉय इज देयर हुज नेम इज़ शरद एंड वन गर्ल इज देयर हुज नेम इज़ आनंदी ओके देर बोथ हर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल राइट सी शरद बिल्ट अ ब्यूटिफुल सैंड कैस्टल ऑन द बीच एज हिज पेरेंट्स वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस देखो ये जो हमारे चैप्टर है द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोवा टूरिस्ट पैराडाइज पैराडाइज मीन्स वॉट हेवन ओके सो हेयर इट इज टेलिंग दैट जो गोवा है वो दैट दैट इज लाइक अ हैवन फॉर द टूरिस्ट ओके यहाँ आप जाओगे तो ऐसा फील होगा ना कि सारे जो भी आपकी सैड मोमेंट है ना वो भूल जाओगे आप अब मस्त होकर वहाँ घूमोगे सारी जितने भी सैड मोमेंट्स वो भूल कर क्या हो जाएगा एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर लोगे आप दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इज पैराडाइज सोच सकते हो इतना बड़ा नाम दिया गया है है ना अच्छा पहले मुझे आपको ना दिखाने दो गोवा है कहाँ लेट मी टेल यू लेट मी शो यू जस्ट वेट सी दिस इज द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हेयर इट इज़ हेयर द गोवा इंडिया का मैप है ये देखो ये रहा गोवा आपका है ना ये स्मॉल जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ना दिस इज द गोवा यही गोवा एक छोटा सा एरिया है छोटा सा स्पेस है यहाँ ठीक है छोटा सा प्लेस है ये ये रहा आपका गोवा इंडिया के मैप में देखो आप कहाँ ये लोकेटेड है मैं आपको दिखा रही हूँ है ना ऑल राइट right. अगर आपने यहाँ मैप में देख लिया तो विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ओके सो लेट्स मू टू नॉर्थ चैप्टर ओके ना कमिंग टू द स्टोरी शरद

कुछ लोग कुछ बनाते हैं कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं जैसे मैं मैं गई थी ना हिमाचल मैं जब शिमला गई थी तो वहाँ मैंने आइस से बनाया था स्नोमैन ऐसा मेरे वीडियो देख सकते हो मैंने इसमें अपलोड कर रखा है आ, मेरे स्टडी वीडियोज़ तो जाते ही हैं व्लॉग भी कुछ कुछ जाते हैं तो आप देखना मैंने उसमें बना रखा है स्नोमैन थोड़ी गंदी सी है देख हंसी आएगी नो डाउट बट मैं एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ कि अगर आइस है तो हम क्या करते हैं आइस से कुछ बनाना शुरू कर देते हैं जैसे मैंने स्नोमैन बनाया तो यहाँ सैंड है तो सैंड से बच्चे क्या बना रहे हैं सैंड का कैसल बना रहे हैं है ना कैसल मीन्स महल ऑल राइट ओके और जो इसके सिस्टर है ना शरद की शी इज़ हेल्पिंग हिम वो क्या कर रही है उसकी हेल्प कर रही है उसे डेकोरेट करने में शी इज़ डेकोरेटिंग विथ विथ सी शेल्स वो कहीं से उसने सी शेल्स इकट्ठा किए और वो उसे डेकोरेट कर रही है देखो आप पिक्चर में उसने लगा रखा है देखो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये जो है ना देखो यहाँ छोटा छोटा इसने लगा रखा है ये सारे ये सारे इसने किसने ये किया है आनंदी ने किया ये सारे कुछ डेकोरेशन ओके या द कैसल द सेटिंग सन लुक लाइक ग्लोइंग गोल्डन बॉल देखो इन लोगों ने जो बनाया है कैसल उसमें कितने टावर्स हैं थ्री टावर्स हैं और हाई वॉल्स दिख रहे देखो ये कितने ऊंचे है ना इन लोगों ने बनाया ये कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना रखा है ये थ्री टावर्स है वन टू एंड इज थर्ड वन है ना सो इट इज टेलिंग

व्हाट सनसेट के टाइम में देखोगे तो लग रहा था इट्स लुक लाइक ग्लोइंग गोल्डन बॉल लग रहा है कोई बॉल ना वो बड़ा शाइनिंग सा है कुछ चमक रहा है डैट इज़ ऑफ गोल्डन कलर है ना तो येलोइश येलो इश रहता है उससे में सनसेट के टाइम आप देखोगे तो वहाँ बहुत अच्छे से हमारे जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ उतना क्लियर नहीं दिखेगा बट अगर आप गोवा जाओगे ना तो वहाँ बहुत आपको क्लियरली दिखेगा बीच के पास तो ये बच्चे कहाँ हैं बीच पर है गोवा में बीच के पास खेल रहे ऑल राइट The sun rays turned everything golden and the waves lashing on the shore touched their feet. Manohar and Kalyani had been planning this trip to Goa for two years with their children. See, there is a there are two names Manohar and Kalyani. They are parents of the, these children. Ye kya hai inke parents hai Manohar uh, is a father and then Kalyani is their mother. Okay? और ये जो उनके पेरेंट्स हैं ना वो ये प्लानिंग कर रहे थे ट्रिप पर जाने का गोवा का कि ये कब से कर रहे थे दो साल से कर रहे थे नो फाइनली इनकी ट्रिप बन गई चलो कॉन्ग्रेड कॉन्ग्रेड्स टू देम बन तो गई फाइनली आई एम जस्ट जोकिंग ओके शरद एंड आनंदी चिल्ड्रेन के जो नेम है वो कहें दैट इज शरद आनंदी उनके ये पेरेंट्स तो ऑबियसली ये चिल्ड्रेन हुए दिस वॉज द फैमिली फर्स्ट हॉलीडे ऑन होने सी बीच द सन किस्ड बीचेज रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज अलॉन्ग देम एंड द वॉस्ट अरेबियन सी मेक गोवा परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो इन लोगों के जो हॉलीडे थे ये क्या था फर्स्ट हॉलीडे थे कहाँ सी बीच पर इन लोगों ने और भी कहीं कहीं हर जगह घूम रखा है जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स घूमा होगा इन लोगों ने बट सी बीच की बात की जाए तो इट वॉज देयर फर्स्ट हॉलीडे ठीक है यहाँ ये लोग ऐसी जगह पर ये लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये जो बीचेज है जैसे गोवा की जो बीच है वहाँ क्या हो रहा like, like है इट लुक्स लाइक लाइक सन किसड बीच जो सन है ना वो बीच को किस कर रही हो मतलब इतना सुंदर सा नज़ारा होता है आप सोच सकते हो यहाँ इन वर्ड्स से ही इतना वो वाली आ रही है ना वाइब्स कि कितना सुंदर हो सकता है जाने के बाद कैसा लगेगा ओके okay. अच्छा कोई नहीं गर्मी की छुट्टी तो आ ही रही है आपकी समर ब्रेक होने वाली है ना कुछ दिनों के बाद चले जाना आप इससे प्लान शुरू कर दो आप लोग ये आपके चैप्टर में भी मम्मा अपने मम्मा पापा को बोलना है कि हमारे चैप्टर में भी है और हमें आप घुमाओगे ना तो हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगी ये आप रीज़न दे सकते हो उनको ओके okay. रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज़ और आपको पता है गोवा में ना बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ होते हैं इसलिए वहाँ देखना चारों ओर आप ना देखोगे हर जगह कोकोनट गो, गो, ट्रीज दिखेंगे आपको और बीच के पास आप बैठकर वो पियोगे ना कोकोनट देन वो बहुत ही मज़ा मतलब क्या वर्ड से मैं एक्सप्लेन करूँ जाओगे तो आप समझ आएगी एंड द वर्स्ट सी मेक गो गोवा परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट और ये सारी चीज़ें ना गोवा को कैसे बनाती है एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बनाती है जहाँ आप जाकर इंजॉय कर सकते हो ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दे कुड सी सम्रेन प्लेइंग ऑन द बाघा बीच वैल समन बाथिंग इन लोगों ने क्या देखा कि और जो कुछ बच्चे जो है कहाँ कहाँ खेल रहे थे वो एक बीच है जिसका नाम क्या है बाघा बीच और वहाँ जो टूरिस्ट है वो क्या कि सन बाथिंग मतलब कि सन बाथिंग मतलब क्या हो सन क्या पानी है जो उसे लेकर ना आएंगे इट मीन्स कि वो लोग सन में सन के पास बैठे हैं उनको वो धूप लग रही है उनके बॉडी पर डेट वॉज कॉल्ड सन बाथिंग और ऐसे भी पता है आपको सनलाइट जो होती है हमारी वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है ना यूजफुल है विटामिन डी मिलती है उससे बच्चे खेल रहे हैं है ना अ फ्यू पीपल वर स्विमिंग इन द सी कुछ लोग क्या कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं सी में आनंदी सडनली पुल्ड शर्ट एंड सेड लुक टू आर कमिंग द शोर और जो आनंदी ना द गर्ल हु इज हुर इन द पिक्चर आनंदी वर्टीड शी डिड शी पुल्ड शी पुल्ड हर ब्रदर्स टी शर्ट जो उसके भाई उसके टी शर्ट को खींचती है देखो भैया वो जो वो बोट्स है ना वो आ रही है हमारे तरफ है ना किस तरफ जो वो जो पानी की जो लहरें हैं उसकी तरफ आ रही है और दे आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वेब्स और वो कैसे मूव कर तो रही है अप एंड डाउन शरद एंड कल्याणी टर्न टूवर्ड्स द बोट्स मनोहर स्माइल्ड और जो शरद है उसकी तो मम्मी है ना उसने वो लोगों ने वो टर्न करके देखा वो बोट्स को देन देयर फादर सेट मनोहर इज हिज फादर इज देयर फादर एंड देन ही सेट दो दर फिशर मैन हु गो आउट इन दर बोट्स टू कैच फिश दे कास्ट नेच क्रैप्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स एंड वेरियस काफ़ फिश दे कम बैक एंड सेल देम देन वट देयर फादर सेड कि जो लोग उस पर बैठे ना वो देर दे आर फिशर मैन वो लोग क्या है मछली पकड़ने वाले एंड देन एंड वेयर डिड दे गो दे वन टू गो आउट इन देयर बोट्स टू कैच फिश वो लोग कहाँ गए थे फिश को पकड़ने गए थे ओके

लेटस्ट गो बैक टू द होटल एंड टेक्सम रेस्ट ना उसके बाद उसके फादर ने क्या बोला कि ओ, हम लोग और भी कहाँ जाएंगे हम लोग कुछ चर्चेस भी जाएंगे विजिट करने एंड देन डेटल बी देखो अब यहाँ नेम दे रखा है बेसलिका ऑफ बॉम जेसस इन ओल्ड गोवा द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसी ये सारे चर्चेस भी हम कल घूमने वाले हैं हुट दिस देयर फादर सेट दिस एंड नेम वॉज मनोहर ऑल राइट ओके देन देर पेरेंट्स से डैड नॉक कम टू द होटल एंड टेक सम रेस्ट अब शाम हो चुकी थी अब चलो अब घर चलते हैं घर तो नहीं मतलब होटल चलते हैं जहाँ लोगों ने छह रखा था देन दे यूज़ टू गो एंड देन टू टेक सम रेस्ट ओके सी दिस इज द गोवा बीच देखो अब यहाँ है ना ये रही बीच यहाँ बच्चे खेल रहे हैं लोग क्या कर स्विमिंग कर रहे हैं कुछ कुछ सन बाथिंग कर रहे हैं सन में बैठे है न तो यहाँ लोग इंजॉय कर रहे हैं फैमिली द होटल दे एन्ए ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा फिश करी राइस एंड रोज डोस और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग क्या बोलते हैं उसके बाद इन लोगों ने डिनर किया रात हो रखी है तो होटल में लोगों ने डिनर किया ओके okay? और फिर वहाँ उन लोगों ने क्या इन्जॉय किया वहाँ जो डिनर में उन, लो, उन लोगों ने लिया देट वॉज ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा वो क्या थी वहाँ की फेमस फूड uh, थी गोवा की एंड दैट वॉज फिश करी राइस एंड अरोज डोस एंड वाट इज दैट अरोज डोस ये कौन सी डिश है इट इज़ लाइक ए पुडिंग जो खीर कहते हैं ना इट्स जस्ट लाइक दैट जो किसे बनी होती है राइस से और दूध राइस एंड मिल्क को मिलाकर बनी होती है और भी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह एड किए गए होंगे इट्स जस्ट लाइक ए पुडिंग खीर मान सकते हो आप आफ्टर डिनर दे वेंट बैक टू देयर रूम शरत एंड आनंदी सेट नेक्स्ट टू देयर पेरेंट्स ऑन द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप उसके बाद जब डिनर होगी देन दे यूज टू गो टू स्लीप और फिर उसके बाद लोगों ने अपने पेरेंट्स के बगल में सोया एंड देन फिर फिर क्या फिर बच्चे क्या करते सवाल सवाल करना शुरू कर देते पेरेंट्स से सोने के टाइम होता है ना सवालों के जो लाइन लग जाती है ना फिर पेरेंट्स को जवाब देना मुश्किल हो जाता है अगर कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो वो इससे अग्री करते होंगे ओके एंड देन शरद आस्क क्यूरियसली फादर टेल अस मोर अबाउट गोवा मनोहर सेठ गोवा इज इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द साउथ सॉरी एंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और जो शरद है द बॉय हुज नेम वॉज शरद ही आस्ट क्यूरियसली ही वाज वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट द गोवा टू नो मेनी मोर अबाउट द गोवा ओके तो उसने पूछा उसने बोला अपने फादर से कि मुझे बहुत कुछ जानना है कि गोवा के बारे में जानना है गोवा की ट्रेडिशनल फूड गोवा की फेमस थिंग्स मेनी मोर थिंग ओके देन हिज़ फादर रिप्लाइड मनोहर रिप्लाइड दैट जो गोवा है वो क्या है दैट इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट एंड शोन यू इन द मैप मैंने आपको मैप में दिखाया ना दैट वॉज टू स्मॉलेस्ट स्टेट है ना इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया वाइज बहुत ही स्मॉलेस्ट है बट इन इन द पॉपोलेशन इट इज़ द फोर्थ स्मॉलेस्ट ओके मतलब इससे भी और भी थ्री कंट्रीज है जिससे छोटी है पॉपुलेशन में कम है उसके बाद ये आती है फोर्थ नंबर पर एंड मैंने इसे दिखाया था आपको लोकेशन ये कहाँ था वेस्टर्न कोस्ट में कोस्ट में था वेस्टर्न साइड था राइट इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलांग द अरेबियन सी मैप के नीचे आपने देखा होगा तो नीचे अरेबियन सी भी था मैं उसे बताना भूल गई वहाँ पर लेकिन आप फिर से बैक होकर देख सकते हो इट इज़ री नोन्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीच टूरिस्ट फ्राम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ फ्लॉक है फॉर एन अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस और यहाँ एज यू ऑल नो कि टूरिस्ट आते घूमने के लिए क्यों आते हैं ताकि वो अपनी ऐसे-ऐसे मोमेंट्स कैप्चर कर सके जो अनफर्गेटेबल हो जो कभी भूला ना जा सके और ये जो गोवा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है अपनी बीच के कारण ये फेमस है ओके okay? पंजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा एज यू ऑल नो डैट यू हैव स्टडीड इन दूवीएसो दैट द कैपिटल ऑफ गोवा इज़ पंजी राइट द अदर इम्पोर्टेंट सिटी इज मार्व इज इन ऑल दिस इंटरेस्टिंग द चिल्ड्रेन येस फादर और इसमें जो और भी जो सिटी है वहाँ गोवा में क्या नाम है मरगाओ नाम है तो उसके फादर ने पूछा इज इट इज इंट ऑल दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने दी गोवा के बारे में उसके लोकेशन के बारे में उसकी साइज के बारे में उसकी कौन सी रैंकिंग आती है पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज इन सब के बारे में जो कुछ बताया उसके फादर ने उस, उन्होंने पूछा कि इज इज इंट ऑल दिस इंटरेस्टिंग क्या इंटरेस्टिंग है या नहीं देन द चिल्ड्रेन येस फादर येस इट इज़ चिल्ड्रेन सेड आनंदी देसेंट कीनली एज कल्याणी फर्दर एडेड दिस

प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस एक जगह है जहाँ आपको बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे वराइटीज़ मिलते हैं इनके और क्यों है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड लोके वेस्टर्न घाट्स इन दैट्स वाई देर इट इज रिच इन फ्लोर एंड फाउना एंड वन मोर थिंग शी शी टोल्ड दैट टू द चिल्ड्रेन कल्याणी सेट दैट जो गोवा है उसकी लिटरेसी रेट क्या है दैट इज़ एटी सेवन परसेंट मतलब कि यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है हेयर मोस्ट ऑफ द मेन एंड वीमेन आर लिटरेट यहाँ के जो मेन एंड वीमेन जो भी पीपल है वो बहुत ही लिटरेट होते हैं पढ़े लिखे होते हैं कॉकनी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हेअर मराठी हिंदी एंड पोर्चुगीज आर आल्सो स्पोकन बाय द पीपल सो यू कैन लर्न कंकनी हेयोर चिल्ड्रेन नाउ वॉट शीज सेड दैट देयर आर लैंग्वेज कंकनी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा बिच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा दैट इज Marathi, Hindi, and Portuguese are also spoken by the people. These are the other languages which are spoken in that area. Alright? So you can learn Konkani here, children. But it will take time. And they were not having that much time. So how could they learn it? Okay. Now move to the next page. Sharath and Anandi looked confused. But how can we learn it in two days? See. Again, they are asking. Na?

Now go off to sleep. We have to visit many places tomorrow. Now it's time to sleep and now just go and sleep and then tomorrow we will be having again fun because we will go to visit some, so many places tomorrow again. Who said? Their mother whose name was Kalyani. Now coming to the next paragraph. Next day, next day the family hired a cab and visited the Basilica of Bomb Jesus in Old Goa. Sharat said to his father, why do so many people come here? एंड देन वट है नेक्स्ट डे देन देई हैड अ कैब मतलब कि उन्होंने एक कैब बुक की एंड देन दे वू बेसलिकाफ बम जेसस इन ओल्ड गोवा दे वेंट टू विजिट चर्च हु इज गिवेन बेसलिका बॉम जेसस ओके देन अगेन देर वॉज अ क्वेश्चन आस्ड बाई शरद एंड वट वॉज देट देट वॉज वाई डो मेनी पीपल कम हेयर यहाँ बहुत सारे लोग क्यों आते हैं चर्च में सी वर देयर पेरेंट्स रिप्लाइड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ मनोहर पेशेंटली आंसर वेल इट होल्ड द मॉटल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, रिगार्डेड एज द पेट्रोन सेंट ऑफ गोवा देयर फादर सेट दैट कि ये जो है ना ये क्या करता है सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे उनके यहाँ जो सेंट थे गोवा वो चीज़ उसके लिए क्या करता है रिप्रेजेंट करता है उनके यहाँ चर्च है दैटल कम ह्योर देर लाइट कैंडल्स एंड ऑल्सो विजिट द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसी और वो क्या करते हैं कैंडल आपको पता है ना चर्च तो गए होगे आप लोग देखा होगे देखा ही होगा ना वहाँ क्या करते है? लोग कैंडल्स जलाते हैं टेम्पल्स में हम कैंडल्स ना जलाकर हम क्या करते हैं स्टिक जलाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं राइट ओके बाई आफ्टरनून दे रीच द द द बीच दे दे इन सी एंड एंड वाटर ऑन ईच अदर हैड सम फ्राइड फिश फ्रॉम शेक उसके बाद क्या किया बच्चों लोग बच्चों ने फिर हाँ देन दे डेट दे गो दे रीट द दैलेंग बीच एक बीच है जहाँ ये लोग ये लोग पहुँचते आफ्टर द विजिटिंग द चर्च और बच्चे फिर वहाँ क्या था पानी में मस्ती करते हैं और क्या स्प्लैश मीन्स वाट एक दूसरे को पानी फेंकना जो साउंड ऑफ वाटर होती है होते कहते हैं स्प्लैश छपाक छप जो कहते हैं ना दैट साउंड उसके बाद फिर लोगों ने खेलना शुरू किया देन दे वर हैविंग सम फूड दैट वॉज फ्राइड फिश एंड साना फ्रॉम अ शेक दिस आर द फूड्स साना किसे कहते हैं अ ड्राई राइस केक वहाँ चावल का जो पैनकेक मिलता होगा वो ठीक है एंड शेक किसे कहते हैं स्मॉल शॉप दैट सेल्स फूड और समथिंग एल्स फ्रॉम अ शेक मतलब इन लोगों ने ये कहाँ से खरीदा एक शेक से खरीदा मतलब एक छोटा सा शॉप है जहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं ऑल राइट दे आल्सो विजिटेड द कैंडोलिम बीच दे आर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट इन्जॉइंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग वाटर स्कीइंग एंड स्क्यूबा डाइविंग एट द स्टिंग बीच मनोहर एंड कल्याणी इंजॉयड पैरा सेलिंग उसके बाद नेक्स्ट वेयर देर दे विजिट दे विजिटेड कैंडोलिम बीच ये हो जाते हैं कहाँ कैंडोलिम बीच जाते हैं और वहाँ उन लोगों ने देर वेरी मच अमेज वो बड़ा ही सरप्राइज थे बड़ा कि अरे यहाँ तो लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं पीपल वर इन्जॉइंग द स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग वाटर स्कीइंग एंड स्कीूबा डाइविंग सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं वो लोग कर रहे थे पीपल मतलब वहाँ की जो जो भी लोग थे वो कर रहे थे इन्जॉय कर रहे थे और मनोहर कल्याणी जो है ना वो उन लोगों ने क्या किया पैरा सेलिंग किया देखो ये रहें उसके पेरेंट्स ये पैरा सेलिंग कर रहे हैं मतलब पैराग्लाइडिंग कह सकते हो आप आनंदी क्लैप्ड वेन देअर पेरेंट्स वे आर लिफ्टेड अप इन द एयर सी ये रहे इनके पेरेंट्स ये रहे पैराग्लाइडिंग करते हुए पैरा सेलिंग भी आप कर सकते हो और बच्चे है ना नीचे देख रहे हैं ये रहे बच्चे एंड दे आर क्लैपिंग फॉर देयर पेरेंट्स ये लोग क्या कर रहे हैं वो क्लैप कर रहे हैं लोग है लो? ना एंड देख सकते हो बीच के चारों ओर देखो आप लोगों लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं ना लोगों की मस्तियां देखो आप है ना ओके वन दे लैंडेड दे आर चिल्ड्रेन वेंट ऑन वाटर स्कूटर्स इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक्स ऑन द सी दे आर वेरी हैप्पी जब उनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं पैराग्लाइडिंग कर कर पैरासाइडिंग कर तो फिर बच्चों ने क्या किया दे वेंट ऑन वाटर स्कूटर्स जो पानी में ही चलता है इट वॉज़ लाइक राइडिंग मोटर बाइक्स लगाते हैं मोटर बाइक्स लगा रहे हैं जो रोड पर चलती है डैट इट वॉज सेम लाइक दैट एंड चिल्ड्रेन वे आर वेरी मच हैप्पी

जो फुटबॉल है वो क्या है पॉपुलर स्पोर्ट है कहाँ का दैट इज ऑफ गोवा का ये पॉपुलर स्पोर्ट है द मेन फुटबॉल स्टेडियम जो है वो क्या है दैट इज नेहरू स्टेडियम इन मारगाव जो कहाँ है मारगाव में है मेनी क्रिकेट मैचेज आर ऑलसो प्लेड देयर उसके फादर ने बताया कि यहाँ बहुत सारे मैचेस भी खेले जाते हैं स्टेडियम में नेहरू स्टेडियम में आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट जब शरत शरत ने इतना ही में बोला कि मुझे बहुत पसंद है फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलना वॉइस को ऐसी भी फुटबॉल एंड क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होती है राइट दे आल्सो विजिटेड फोर्ट अगवाडा बिफोर रिटर्निंग टू द होटल दे अबाउट किचन एंडोरेशन पीसेज मेड ऑफ सी शेल्स एजनैर्स फिर उन लोगों ने क्या किया उसके बाद दूसरी फोर्ट जो थी किला थी वो लोग वहाँ घूमने गए होटल जाने से पहले एंड देन सम क्या कहते हैं डेकोरेटिव मटेरियल सब कह सकते हो जैसे कि किचन भी क्या होता है जहाँ भी जाओगे ये चीज़ हर जगह मिलती है किचन तो हमेशा हर जगह मिलती है यार मतलब कहीं भी देख लो घूमने जाओ ना ये किचन जरूर लोग खरीदते हैं आई नो वाई चलो बिकॉज इट इज ये ना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सस्ती होती है दैट्स वाई आई थिंक ये जो आप ले सकते हो easily. है ना तो तो लोग क्या करते हैं एक जरूर उठाते हैं ये चीज़ ओके एंड दे बॉट सो मेनी डेकोरेशन पीसेस है ना उन लोगों ने बहुत सारी डेकोरेशन चीज़ें ली थी और फिर देन उन लोगों ने सारी कुछ खरीद कर फिर क्या किया लोगों ने अपने बैग पैक किया रात में एंड देन दे वैट टू बेट क्योंकि कल होकर उनको निकलना था दैट्स वाई दे पैक देर बैग एट नाइट कल्याणी सेठ गुड नाइट टमारो वी विल होम एवरी वन स्म एंड सेट येस फिर उसकी मदर ने क्या कहा देर मदर सेट गुड नाइट बच्चे टुमारो बैक होम इट मींस टी हैम एवरी वन स्माइल एंड सेट यस हाँ वो तो जाना ही है मनोहर सेठ गफुल एंड सॉरी मनोहर सेठ गेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल वी कैन

वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस आई लव दिस प्लेस और हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी शुड एंड आई लव दिस प्लेस उसके फादर ने कहा कि मुझे ये प्लेस बहुत ही पसंद आया सो so, जो वहाँ के उन लोगों ने क्या क्या देखा क्या क्या, क्या सीखा वहाँ के कल्चर को देखा वहाँ के लोगों को बारे में जाना, के, के बारे में जाना वहाँ की डिशेज़ के बारे में जाना वहाँ की क्या फेवरेट सॉरी फेमस डिशेज है दिस वार सो मेनी थिंग्स विच दैम टू नो ऑल राइट सो चिल्ड्रेन दिस वॉर दैप्टर चैप्टर ऑफ नंबर टू विच वीव डन एक्सप्लानेशन तो इस स्टोरी की होगी पार्ट वन वीडियो में एंड इन दार्ट टू मैं एक्सप्लेन करूँगी सारे क्वेश्चन आंसर को ओके okay? सारे एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करूंगी दैट इन दार्ट टू ऑल राइट सो हैव अ गुड डे बाय